पूछे हाँ बताओ, बोले हमारे कंडन ने बांट दो। बाबा जी तो हक्का बक्का रह गया, बोला मैं कैसे बांटूंगा, मुझे क्या पता कौन से तुम्हारे हैं कौन से इनके। बोले क्यों जा, मैं कौन सी बातें पता करने की, जिसमें गोविंद गोविंद बिठला बिठला राधे राधे की आवाज आ रही है वो मेरे हैं, और जिसमें आवाज नहीं आ रही है वो उसके। सन्यासी सन्न रह गया। बोला ऐसा तप, कंडा उठा के कान से लगाया तो बिठला 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 गोविंद 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 गोविंद। तो जब आप सेवा भाव से कोई कार्य करते हैं तो वो अपने आप में जप है। वो कोई भी कार्य है, चाहे आप अपने बालकों का, लेकिन वो धर्म अनुकूल होना चाहिए। यदि वो धर्म के विपरीत है तो फिर नारायण नहीं है उसमें साथ आपके। यदि धर्म के मार्ग पर चल के आप जो कार्य कर रहे हैं वो सेवा है, धर्मादा है। अजामिल के ऊपर आज भगवान की दृष्टि पड़ गई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी जी पास में बैठी। लक्ष्मी जी कह रहे हैं आप ही अलग तरीके की मुस्कुराहट है आज आपके चेहरे पे, ऐसी पहले कभी नहीं देखी, बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट है। आप ऐसी सनकादिकों की समाधि देख के भी प्रसन्न नहीं होते, शिव से मिलके भी इतने प्रसन्न नहीं होते। बोले कि मैंने आज एक ऐसे अपनी भक्त को देखा है जिसको उसके पति ने घर से धक्के दे के निकाल दिया है, लेकिन वो आज भी अपने पति की कल्याण की कामना कर रही है। और मैं देख रहा हूं कि वो बड़ा दुष्ट हो गया है। देखो नारायण आपके दुष्ट होने पर भी आपकी कल्याण की सोचते हैं। और आप ही आंख मूंद लो, बार बार आपकी मां आपसे कहेगी बेटा प्रमादी मत बन, लक्ष्य की तरफ चल, ईश्वर प्राप्ति की तरफ चल। गुरु समझाएंगे, मित्र सखा समझाएंगे, भागवत समझाएंगी, कुंभ समझाएगा, नित्य आपको संकेत आएंगे। सुबह जब अखबार पढ़ेंगे उसमें भी आपके काम के संकेत आ जाएंगे, लेकिन जब आप पट्टी बांधे बैठे हो तो हाथ पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। सूत्र तो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन आप में ग्राहिता नहीं। भगवान की दृष्टि अजामिल पे पड़ी। लक्ष्मी जी बोली कि आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका कल्याण तो निश्चित है। भगवान बोले कल्याण तो निश्चित है। लक्ष्मी जी बोली तो फिर आप क्या करोगे, आप उसे एक क्षण में उसका कल्याण कर सकते हैं। बोले मुझे कुछ नहीं आता, मुझे किसी का कल्याण करना होता है तो मैं उसके जीवन में किसी संत को भेज देता हूँ, गुरु को भेज देता हूँ, कोई ग्रंथ को भेज देता हूँ, मैं किसी जागृति को ग्रहण किए हुए किसी सूत्र श्लोक को भेज देता हूँ। संतों की टोली अगले दिन अजामिल के घर आ गई। वेश्या ने देखा कि संत द्वार पे आए हैं, इससे पहले उसने कभी संतों को नहीं देखा था। और वहां बड़े बड़े ज्ञानी त्रिपुंडधारी बड़ी बड़ी त्रिशूल लेके हाथ में कोदंड लेके वहां पहुंच गए। कुछ साधुओं की टोली भी साथ में चली, ऋषि मुनियों के साथ। ऐसा भारी वैभव देख के उसकी पत्नी तो अवाक रह गई कि हमारे घर इतने बड़े बड़े संत, ऐसे सन्यासी। तो उसने कभी अपनी मां से सुना था कि घर पे यदि संत आ जाए तो केवल संत के घर में पदार्पण मात्र से देव तृप्त होते हैं, पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। केवल प्रवेश मात्र से, आहट जरा सी चौखट से पार हुए। संतों ने कहा कि आज हम रात्रियां विश्राम करना चाहते हैं, हम भोजन भी करेंगे। वेश्या की आंखों से आंसू झड़ने लगे, पाप आंखों से आंसू बन के बहने लगा। संतों की दिव्य दृष्टि पड़ी तो शरीर पुलक गया। संतों के पास एक चहक पुलक तो होती है, उनकी कुटिया में जाओ तो बड़ा एक संतोष सा होता है। वहां से आने का मन नहीं करता। तो वेश्या रोने लगी, बोली मैं तो वेश्या हूं। संत बोले कोई बात नहीं लाली, हम फिर आगे जाते हैं। वो आगे चले गए। इतने वेश्या दौड़ के गई,
जमीन में गिर गई, बोली मैं नहीं चाहती कि आप मेरे यहां से ऐसे जाएं, जैसे तैसे मेरे जीवन में पहली बार कोई उद्धार का एक सूत्र मिला है कि मुझे अपने जीवन को आज से सुधार सकूं, आप ऐसे न जाइए। संतों ने कहा सीधा निकाल के दे दो, हम बनाएंगे। सीधा निकाल दिया, रात में अजामे ला गया, बड़ा भारी क्रोधित हुआ, बोला मेरे घर संत, मैं दुनिया को लूट के लाता हूं, ये कहां से आ गए भिखारी, भगाओ हटाओ। संतों के छोटे चेले बोले पहले ही कहा था ये बहुत बड़ा डाकू है, कमंडल फमंडल तीर कमान सब छोड़ा लेगा अभी के भी। इतने में उसकी पत्नी आ गई, क्या बात है क्यों चिल्ला रहे हो? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने रखे? बोले हाँ हमने रखे हैं। ठीक है फिर कोई बात नहीं रहेगी। संतों को पता चल गया इसके पास है इसकी चाबी। संत चाबी लाभ की दृष्टि से नहीं देख रहे थे, उनकी कल्याण की दृष्टि से। अगले दिन जब जाने लगे तो बोले कि आप अपनी एक संतान का नाम हमारे कहने से रख लोगे क्या? अजामिल बोला बिल्कुल नहीं रखेंगे। बोले उल्टा सीधा नाम बताओगे? मैं अब की बार अपने लड़के का नाम नए तरीके का रखना चाह रहा हूं। इतने में बेशिया आ गई, बोली क्या बात है? बोले कि हम ये कह रहे थे कि हमारे कहने से किसी का नाम रख लोगे अपने घर में। बोले क्यों नहीं रख लेंगे महाराज जी, बताइए क्या रखना है। बोले उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोला पुराना सा लग रहा है, देख लेना बाद में। जैसी उसने आंख निकाली उसे नॉर्मल हो गया, बोला ओके ये नाम ठीक रहेगा। जब अंत समय आया कफ वात पित्तई कंठा वरोधन स्मरणरम कुतस्ते, जब अंत समय आया कुछ हाथ नहीं रखा, पार्षद आए खींचने लगे तो एक हाथ उन्होंने पकड़ रखा है खींच के ले जा रहे और दूसरा हाथ से कह रहा है नारायण नारायण नारायण। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि इनका तो हाथ नारायण को पुकार रहा है तो यमलोक के पार्षद छोड़ के चले गए और केवल अंत में भगवान से नारायण उसके मुख से निकलवा दिया। और इतना बड़ा पापी केवल भगवान का नाम स्मरण करने से उसे सदगति मिली। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो